हेलो दोस्तों, आपके लिए एक ऐसा वीडियो ला दिया हूँ ना जिसे देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें एक बायोडाटा बनाना हो, किसी का बायोडाटा बनाना हो, तो हम एमएस वर्ड के अंदर कैसे बनाते हैं। दोस्तों, एमएस वर्ड के अंदर हम कैसे एक प्रोफेशनल बायोडाटा को बनाते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने का कोशिश किया हूँ कि कैसे हम बायोडाटा को बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप जीरो लेवल से लेकर कंप्लीट कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं ना, तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट की तरह आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस तक वीडियो डालते रहता हूँ। आप अगर कंप्यूटर में कुछ भी नहीं जानते हैं ना दोस्तों, तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पेज सेटअप करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे पेज लेआउट दिया हुआ है और इस पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे साइज और मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे पेज सेटअप में हमें दो चीज़ करना होता है, साइज लेना होता है और मार्जिन सेट करना होता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस साइज पे क्लिक करेंगे और साइज पे क्लिक करेंगे और हमें जो पेपर लेना है, जो पेपर का साइज लेना है, वो हम यहाँ से ले लेंगे। दोस्तों, अगर अपने अनुसार लेना चाहते हैं तो नीचे जाएंगे मोर पेपर साइज में और वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ बक्स आएगा और यहाँ से आप जो पेपर साइज बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों, आप जैसे ही साइज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बना बनाया यहाँ पर साइज आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल हम यहाँ से A4 साइज पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारा A4 साइज यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद तो दोस्तों जाएंगे मार्जिन में और मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे मार्जिन आ जाएंगे और नीचे देखेंगे यहाँ पे कस्टम मार्जिन दिया हुआ है और इस कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आप यहाँ से कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ से हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नैरो मार्जिन ले लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नैरो मार्जिन लेंगे और इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखेंगे हमारा कुछ ऐसा एक इंटरफेस हो गया और यहाँ पे हमारा फाइनली पेपर सेट हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे होम टैब में और देखेंगे यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, हम यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई। जैसे ही हम सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा जो कर्सर था वो सेंटर में चला गया है और यहाँ पे हम लिख लेंगे बायोडाटा। तो यहाँ पे हम बायोडाटा लिखेंगे और उसके बाद से इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे देखेंगे चेंज केस का ऑप्शन दिया हुआ है और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपर केस ले लेंगे। देखेंगे दोस्तों, कुछ हमारा ऐसा इंटरफेस हो गया। दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, इसका साइज बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा साइज़ बड़ा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप अपने अनुसार जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, इसका फॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहते हैं तो आप जाएंगे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में और यहाँ से जो फॉन्ट लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सिंपल हम इस फॉन्ट को ले लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों, इसे बोल्ड करना चाहते हैं, इटैली करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। अगर चाहते इसका कलर चेंज करना तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों जाएंगे हम इंसर्ट में और यहाँ पे शेप में जाएंगे और शेप में जाने के बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल लेने के बाद हम ऐसे ड्रैग करेंगे। देखिए दोस्तों, और ड्रैग करने के बाद ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद से दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पे शेप फिल पे और शेप फिल पे जाने के बाद और यहाँ से नो फिल पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे शेप आउटलाइन पे और आउटलाइन पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका आउटलाइन दोस्तों हम यहाँ से ब्लैक कर देंगे और फिर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा आउटलाइन को मोड़ा कर देंगे। देखिए दोस्तों, दोस्तों देखेंगे कुछ हमारा ऐसा एक बनकर तैयार हो गया। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे और फिर से एंटर प्रेस करेंगे, नहीं तो हम एक सिंगल एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद से अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, और इसका साइज यहाँ से कम कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से कम करेंगे और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें नाम लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम नाम लिखते हैं और उसके बाद से हम दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, इस फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो भी फॉन्ट लेना है वो हम यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं। तो सिंपल हम इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम नाम लिख लिए, नेम लिख लिए और उसके बाद से हम टैब प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलम देंगे। देखिए दोस्तों, और उसके बाद से एक टैब और प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे नाम लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, करेंगे और यहाँ से सेमी कॉलम देंगे और यहाँ से हम कर देंगे हिंदू।
दोस्तों आप यहाँ पे मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम देंगे, सिख होंगे तो सिख देंगे, या हिंदू होंगे तो आप हिंदू देंगे। फिर एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से लैंग्वेज लिख लेते हैं और टैब प्रेस करेंगे और उसके बाद से यहाँ से सेमी कलन देंगे और यहाँ से टैब प्रेस करेंगे और यहाँ से हिंदी और इंग्लिश, आप जो भी आपको भाषा आता है, अगर आपको मराठी आता है तो मराठी लिखेंगे, यहाँ से तेलुगु आता है तो तेलुगु लिखेंगे, अगर भोजपुरी आता है तो भोजपुरी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हिंदी लिख लेते हैं और कोमा देंगे और प्लस इंग्लिश लिख लेंगे। देखेंगे दोस्तों हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, हमें फ़ोटो यहाँ पे लगाना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पे क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ पे पिक्चर में और पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और यहाँ से जो भी पिक्चर हमें लेना है वो हम यहाँ पर जाएंगे और जाते हैं इसके अंदर और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और इसके अंदर फ्रेश करेंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी एक हम यहाँ से पिक्चर को इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस पिक्चर को हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे हमारा यह पिक्चर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर जाएँगे रेप टेक्स्ट के अंदर, देखिए दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दिया हुआ है और इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ पिक्चर है वो हम अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, देखिए दोस्तों इसे छोटा करेंगे और इस पिक्चर को ले आकर यहाँ पे रख, उसके बाद से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पे सेमी कलन देंगे और यहाँ पर फिर से टैब को दबाएँगे और यहाँ पर हम एड्रेस लिख लेते हैं और उसके बाद से फिर एंटर प्रेस करेंगे। अगर चाहते हैं आप आधार कार्ड देना तो सिंपल आप यहां से आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे आएंगे और यहां पे टैब को प्रेस करेंगे और यहां से आधार कार्ड का नंबर भी देखिए दोस्तों दे सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों इसे क्या करते हैं, यहां पे आएंगे और यहां से एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम देते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले लिख लेते हैं, इसे बोल्ड नहीं करेंगे, यहाँ से अंडरलाइन देंगे और इसको ऐसे क्या करते हैं, यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे दोस्तों इंसर्ट में और यहाँ पे देखेंगे टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पांच को हम रो ले लेंगे, यहाँ से पांच कॉलम ले लेंगे और यहाँ से क्या करते हैं, तीन हम रो ले लेते हैं। देखेंगे दोस्तों ऐसा हमारा इंटरफेस आ गया कलम का और इसमें कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम, इसमें हम लिख लेंगे एग्ज़ाम और उसके पहले हम जाएंगे होम टैब में और यहां से अंडरलाइन को हटा लेंगे और उसके बाद से यहां पे लिख लेते हैं एग्ज़ाम और टैब को दबाएंगे तो हम अगले कलम में चले जाएंगे और यहां पे लिख लेते हैं हम बोर्ड, यहाँ पर हम लिखेंगे बोर्ड और सेलेस देंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिवर्सिटी और उसके बाद से दोस्तों हम टैब को यहाँ लिख लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आएंगे और फर्स्ट डिवीज़न लिख लेंगे और उसके बाद से फिर टैब को भी दबाएंगे और यहाँ पे जितना भी परसेंटेज होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से लिख लेंगे और यहाँ पे परसेंटेज दे देंगे। उसके बाद से आप फिर यहाँ पर टैब को दबाएँगे और आप किस ईयर में पासिंग किए हैं वो आप यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद से फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से टैब को दबाएँगे, आप दूसरे कॉलम में चले जाएँगे और उसके बाद से आप इंटरमीडिएट लिख लेंगे, तो यहाँ पर आप इंटरमीडिएट लिखेंगे और उसके बाद से आप किस बोर्ड से इंटरमीडिएट पास हैं तो आप यहां पे लिख सकते हैं। तो सिंपल आप यहां से लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, और यहां से आप जो भी यूनिवर्सिटी से अगर आप इंटरमीडिएट किए हों उसका नाम यहां पे लिखेंगे, आप कौन से डिवीज़न है तो आप यहां से उस डिवीज़न को लिख सकते हैं। उसके बाद से कितना परसेंटेज आया वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या करते हैं उसके बाद से फिर से हम जाएंगे इस टैब में और यहाँ पे हम ईयर ऑफ पासिंग दे देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑफ यहाँ पे पासिंग लिख देंगे और उसके बाद से फिर हम टैब दबाएंगे और यहाँ पे ग्रेड लिख लेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रेड लिख लेंगे और इस कॉलम को डिलीट करने के लिए हम जाएंगे लेआउट में और लेआउट में जाने के बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको सेल डिलीट करना है, तो सिंपल हम इस सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट सेल को डिलीट कर लेंगे। फिर से हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे
और यहाँ से सेल को डिलीट कर लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से इस कॉर्नर पे जाएंगे और इस कॉर्नर पे जाने के बाद ऐसे थोड़ा सा इसे पकड़कर हम इसे बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों और क्या करेंगे, दोस्तों यहाँ पे आएंगे और इसे क्या करते हैं ऐसे अपने अनुसार इसको अपने अनुसार इसे मैनेज करेंगे। देखिए दोस्तों अपने अनुसार इसे मैनेज करेंगे और इसको थोड़ा सा अपने अनुसार इसे सेट करेंगे। देखिए दोस्तों और इतने सारे को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ पे सेंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों हमें ITI लिखना है, तो सिंपल हम यहाँ से ITI लिखेंगे और उसके बाद से आप कहाँ से ITI करते हैं वो ITI आप लिखेंगे। तो हम यहाँ से गोपालगंज ITI से करते हैं हम। उसके बाद से आप पास है या नहीं है तो आप यहाँ से पास लिख लेंगे। देखिए दोस्तों और यहाँ पे ग्रेड लिख लेंगे, तो हम यहाँ से ग्रेड लिख लेते हैं, यहाँ से हम ग्रेड लिखेंगे। और उसके बाद से दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों इतना हमारा काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे इसे सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे इतने को और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे। और इसको क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे डिजाइन में, और डिजाइन में जाने के बाद शेडिंग में जाएंगे और यहाँ से अपने अनुसार यहाँ से कलर दे देंगे। देखिए दोस्तों आप जो कलर देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। तो सिंपल हम इस कलर को यहाँ से फिल कर देते हैं। दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ से आएंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे। और उसके बाद से दोस्तों फिर हमारा कर्सर यहाँ पे लाएंगे और जाएंगे फिर से इंसर्ट में और फिर टेबल में जाएंगे। और टेबल में जाने के बाद फिर हम दोस्तों यहाँ से क्या कर लेते हैं, फिर से यहाँ से हम टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें फिर से हम एग्जामिनेशन लिख लेते हैं और टेप को दबाएंगे और यहाँ पे इंच्यूट फिर टेप को दबाएंगे और यहाँ से जेंडर ग्रेड लिख लेंगे। और इसको दोस्तों क्या करेंगे, अपने अनुसार इसे सेट कर लेंगे। इसे थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसे थोड़ा सा अपने अनुसार इसे सेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस कॉर्नर को ऐसे लाएंगे, ऐसे कॉर्नर पे लाएंगे और इसे अपने अनुसार इसे सेट कर लेंगे। और दोस्तों इसको थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे और इसे थोड़ा सा यहाँ आएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और इसे थोड़ा सा अपने अनुसार सेट करेंगे। फिर इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम प्लेस दे देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम प्लेस दे देते हैं और उसके बाद से हम स्पेस को दबाएंगे और यहाँ से सेमी कॉलम देंगे। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं। देखिए दोस्तों और फिर से हम स्पेस को दबाएँगे और यहाँ से सेमी कॉलम देंगे और उसके बाद से हम फिर एक ऐसे प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे। और उसके बाद से दोस्तों ऐसे क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा हम ऐसे मैनेज करेंगे और जाते हैं हम इंसर्ट टैब के अंदर और इस शेप में जाएंगे। और शेप में जाने के बाद यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और जाएंगे यहाँ से इसका कलर हम यहाँ से ब्लैक कर लेंगे और इसका आउटलाइन क्या करते हैं, इसका मोटाई थोड़ा मोटा कर लेते हैं। दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। दोस्तों देखेंगे फाइनली हम एक प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशनल एक बायोडाटा होता है वो हम यहाँ पे आपको बनाकर दिखा चुका हूँ। दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें हम समझाने का कोशिश किया हूँ। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे मेरा एक नंबर ड्रे कर रहा है, आप उस पर आप कॉल करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों आप इसे प्रिंट करने के लिए सिंपल आप कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो दोस्तों देखेंगे कुछ आपका बायोडाटा इस टाइप को दिखेगा। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।